एवरीवन, गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज है 31st नाइट एंड अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और अभी हम बाहर निकले हैं। सो हमने डिनर घर पे नहीं किया, बाहर कुछ टिफिन्स या लाइक व्हाटएवर बाहर ही खाने का सोचा, क्योंकि हर साल इस टाइम नाइट पे हम लोग बाहर खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद हम लोग जो है चर्च में चले जाते हैं और न्यू ईयर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है, भगवान के पास से। फिलहाल कहाँ जाना है, क्या खाना है, कुछ सोचा नहीं है, जस्ट निकले हैं अभी अभी। एंड बच्चा पार्टी जो है पीछे बैठी हुई है। अभिषेक कहाँ है? आदित्य, वेर इज अभिषेक? वेर वेर? ओके, हियर ही इज। वी आर रहे पार्टी जी। सो नए साल की शुभकामनाएं आप लोगों को पहले से एडवांस में, एंड जो जो आपके गोल्स है, जो भी है, भगवान करे कि वो सब कुछ फुलफिल हो जाए इस न्यू ईयर में। एंड दैट्स इट। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं। कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाने वाले हैं, कुछ अता पता नहीं है, तो निकलते चुके हैं फिलहाल। और वैसे रोड्स पे कोई अभी तक धूम धड़ाक नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस का जो पूरी जो बंदोबस्त है, ज़्यादा लोग जो है बाइक से जूई जूई करके ना जाएं, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे ऐसा होता है कि लोग बहुत जोश में आ जाते हैं और बाइक से सब बहुत तेज़ चलाते हैं, तो थोड़े बहुत इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं। तो पिछले साल भी हमने देखा था बहुत प्रॉपरली पूरा मेंटेन किया हुआ था, एंड अभी भी रोड्स एकदम शांत है, सब कुछ है, एंड 12 बजे भी इसी टाइप का ही माहौल रहता है। तो सेफ्टी के लिए भी जो पुलिस काम कर रहे हैं उनके लिए भी उनको बहुत हमको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारी लाइफ जो है सेफ है ना। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, कहाँ जा रहे हैं देखते हैं। आ चुके हैं इन होटल में, वहाँ पे एक्वेरियम है, तो अभिषेक देखने के लिए गया है। अच्छा होता है ना, तो वहीं पे कंटिन्यू हो जाते हैं। सो बाकी जो जगह थी थोड़ी दूर थी एंड नज़दीक में यही था इन होटल, और हम दूसरे होटल में भी हमने सोचा था जाने के लिए के होटल में, बट वो जो है ऑलरेडी क्लोज हो चुका था। अभी जो है इट्स 11:39, 11:40 ऐसा कुछ हो रहा है। सो अभी हम लोग 5 मिनट में पहुँच जाएंगे चर्च पे, एंड दैट्स इट। एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सो अभी हम पहुंच चुके हैं चर्च, एंड देखो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। एंड इस चर्च को फ्रॉम पास 6-7 ईयर्स जो है कंस्ट्रक्शन इसका पूरा चल रहा है, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही बड़ा चर्च है। सो हर साल हम यहीं पे ही आते हैं न्यू ईयर के टाइम पे। इस बार चर्च की डेकोरेशन में ओनली वाइट लाइट्स ही यूज़ करी है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड सामने भी जो है शामियाना लगाया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं इस चर्च पे, तो सबके लिए ऑक्यूपाई हो जाए, तो इसके जो अंडरग्राउंड है वहाँ पे भी सीटिंग है, ऊपर भी है, तो पूरा फुल हो जाता है। एंड अभी चर्च ख़त्म हो चुका है, तो सभी लोग बाहर आ चुके हैं।
ये जो सेटअप है वो क्रिसमस के टाइम पे किया हुआ है, तो ये ग्रीन कलर में पूरी ग्रीन लाइट्स है, वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम लोग एक्चुअली नीचे बैठे थे एंड ऊपर जो जो एक्चुअल सीटिंग है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो मेन चर्च है ओनली नीचे, ऊपर हर जगह जो है क्रिसमस के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे भर जाता है। एवरी वीक जो होता है तब इतना रश नहीं रहता है, तब ओनली ये जो ऊपर वाला देख रहे हो ना, ये मेन है सीढ़ियों के ऊपर वाला, वहाँ पर जो स्ट्रेंथ आती है वहाँ पे बैठते हैं। सो अभी मैं आपको फ्रंट भी दिखा रही हूँ। सो देखिए ऑलरेडी चकाचक भरे हुए हैं यहाँ पे लोग, एंड डेकोरेशन बाहर भी अंदर भी बहुत ही ब्यूटीफुली किया हुआ है। चर्च भी अटेंड कर लिया, अभी बज रहे हैं 2 बज रहे हैं ऑलरेडी, 2 क्रॉस हो चुका है, तो इतनी देर तक चला। एंड उसके बाद जो है बाहर ही टी एंड कॉफ़ी दोनों का अरेंजमेंट रहता है हमेशा चर्च में। सो वो पीने के बाद हम लोग आ चुके हैं, एंड इन दोनों ने जो है ये बलून्स खरीदा है, या ये वो वाले ना बलून्स, तो ऊपर जाके कार के उसमें टच हो रहा है। योर्स इज पिंक एंड योर अनयास हैव ग्रीन कलर, तो स्टार में 2 कलर मिले है। सो अगेन आप सब लोग को हार्दिक नए साल की शुभकामनाएं, हार्दिक नए साल की शुभकामनाएं, यही बोलते हैं कि कुछ और सेंटेंस में कुछ आगे पीछे लग रहा है। एनी वेज जो भी आप मेरा जो अंदर के जो फीलिंग है वो समझ चुके हैं ना, मतलब कि हैप्पी न्यू ईयर आप लोग को। तो अभी घर जाके सो जाएंगे, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं, तो न्यू ईयर में सुबह जो है कितने बजे उठेंगे पता नहीं, क्योंकि एवरीडे जो है मॉर्निंग में वॉक के लिए भी जा रहे हैं, ऑलरेडी 2 बज चुके हैं। सो लेट्स सी व्हेन वी विल वेक अप। और रोज़ तो एक्चुअली 7:30 बजे 7:45 बजे जा रहे हैं वॉकिंग के लिए, कल सुबह कितने बजे होता है देखना पड़ेगा। तो आप भी जो है बने रहो कि कल सुबह कितने बजे उठते हैं न्यू ईयर के दिन, है ना। चलो गुड नाइट फॉर नाउ एंड हैप्पी न्यू ईयर अगैन। एंड ये हमारे अपार्टमेंट की बाहर जो रंगोली की थी वो वाली है, जाते टाइम कंप्लीट नहीं हुआ था तब मैंने इसलिए शेयर नहीं किया, तब तक हम वापस आए तो आधी रात हो चुकी है। तो यहाँ पे अभी मैं इसलिए शूट कर रही थी जितने में ये गाड़ी पार्क कर दे करके, तो काफ़ी बड़ी एंड काफ़ी अच्छी रंगोली बनाई है, बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाई है एंड हर साल ही बनाते हैं। एंड यहाँ पे आदित्य जो है अपने गुब्बारे को बाहर इधर उधर लेके भाग रहा था, एंड वो रही गाड़ी जो है पार्क हो रही है, एंड मैं भी खड़ी थी ऊपर जाने के लिए क्योंकि हम लोग इतना लेट आए थे, गेट्स ओपन करके गेट्स क्लोज करके आ रहे थे। एंड अभी अंदर आ चुके हैं, एंड मैंने सोचा कि आप लोग को मैंने अपनी जो अटायर है वो नहीं दिखाया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।